बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर और उस पर बचे संग्राम की सीमा हैदर के पूर्व पति गुलाम हैदर ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत आएगा और अपने बच्चों को लेकर जाएगा। तो वहीं सीएमआ और सचिन ने भी दो टूक कह दिया है कि वो मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीमा हैदर कई बार कह चुकी है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी, उसके चारों बच्चे भी साथ रहेंगे, लेकिन गुलाम हैदर का कहना है कि वो भारत आएंगे और बच्चों को साथ लेकर जाएंगे। तो हम कैसे बैठ सकते हैं, चार बच्चे मेरे सीमा इन लगल तरीके से लेकर भारत में जो घुस गया बैठ गया, तो लाजम है मैं बच्चों के लिए, इसको तो सजा तो मिले ही मिलेगी मगर बच्चे तो जरूर वापस आएंगे। गुलाम हैदर के बयान पर सीमा ने करारा जवाब दिया है कि वो गुलाम की शक्ल भी नहीं देखेगी और अब वो सीमा हैदर नहीं बल्कि सीमा मीणा है। मैं आपसे और सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ सीमा हैदर ना बुलाएं, खाली सीमा बुला ले, सीमा मीना बुला ले, प्लीज, रिक्वेस्ट है, इनसे दिल दुखता है मुझे, ठीक है सर। बाकी रही बात हैदर की, तो आए ना आए उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलाम के बयान पर सचिन ने तारा सिंह स्टाइल में कहा है, सीमा मेरी पत्नी है, बच्चों को तन मन धन से गोद लिया है, वो गुलाम से हर मुकाबले को तैयार हैं। जी बिल्कुल मुकाबला करेंगे, कानूनी तरीके से मुकाबला करेंगे। ये मेरी पत्नी और बच्चों को मैंने गोद लिया है, मन से तन मन धन से गोद लिया है, बच्चे मेरे हैं। और गुलाम हैदर के भारत आने की बात पर सीमा ने यह साफ कर दिया कि बच्चों पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है, किसी भी सूरत में बच्चे पाकिस्तान नहीं जाएंगे। कौन सा कानून है जो एक माँ से एक बच्चे छीन सकता है? और बाकी इस सवाल का बेहतर जवाब हमारे डॉक्टर एपी सिंह वकील साहब दे देंगे, वही समझ सकते हैं इन चीजों की, कानून की। बाकी मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का है, किसी भी देश का कोई भी कानून एक माँ से बेटियों को जुदा कर सके, वो भी छोटी छोटी सी। मुझे नहीं, कोई भी कानून ऐसा बच्चों के साथ जुल्म नहीं कर सकता। हाँ अगर हर कानून में एक रूल रखा जाए तो होता होगा कि बच्चे से पूछा जाता होगा, अगर मेरे बच्चे जाना चाहेंगे मैं मना नहीं करूंगी, पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि बच्चों की माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ। बाकी जबरदस्ती या गुलाम हैदर के कहने से या मेरे कहने से नहीं होगा, मेरे बच्चे मासूम से हैं, वो मेरे बगैर एक पल नहीं जी सकते, एक दिन मेरे बगैर नहीं रह सकते। गुलाम हैदर के साथ जाना तो दूर, सीमा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, सिर्फ सचिन मीणा ही उसके लिए सब कुछ है, वो भारत में रहकर अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती है। जबकि उधर गुलाम हैदर ने कानूनी तौर पर भारत आने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी सरहद पार से आई सीमा का केस अब और पेचीदा हो चला है, जिसमें रोज नया ट्विस्ट आ रहा है।